नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 19 में। मैं पुलकित सक्सेना आप लोग के साथ। आइए एक नजर डालते हैं बूंदी जिले की ओर। आपको बता दूं कि बूंदी जिले के हिंडौली में स्कूल शिक्षा परिवार ने मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। हिंडौली में स्कूल शिक्षा परिवार ने मुख्यमंत्री के नाम उपखंड अधिकारी मुकेश कुमार चौधरी को ऑनलाइन एजुकेशन बंद करने व परिजनों सहित सड़कों पर उतरने की सूचना देने के लिए ज्ञापन दिया है। ज्ञापन में बताया कि 8 माह से वेतन को तरस रहे 11 लाख कर्मचारियों के परिजनों की दीपावली कैसे मनेगी। ज्ञापन में 17 नवंबर तक कक्षा 5 से 12 तक के विद्यालय खोलने, हाईकोर्ट के लिए निर्णय 7 तारीख को लागू करने, दीपावली से पूर्व RTE का भुगतान करने, साथ ही साथ स्कूल खेलने के बाद एडमिशन के लिए RTE पोर्टल पुनः खोलने, शिक्षा विभाग में गारंटी के तौर पर जमा स्कूल की FD एवं बालिका शिक्षा फाउंडेशन की राशि 3 वर्षों में पुनः जमा कराने की शर्त पर स्कूल लौटने की मांग को लेकर के ज्ञापन सौंपा गया। स्कूल शिक्षा परिवार ने कहा कि यदि समय रहते सरकार द्वारा मांग को पूरा नहीं किया गया तो कर्मचारी अपने परिजनों सहित सड़कों पर उतरने को मजबूर हो जाएंगे। साथ ही साथ गौरतलब है कि लॉकडाउन के बाद से सभी प्राइवेट विद्यालय बंद हैं। हाईकोर्ट के आदेश के बाद विद्यालय में किसी प्रकार की फीस जमा नहीं हुई है। ऐसे में विद्यालय में पढ़ाने वाले शिक्षकों को पिछले 8 महीनों से वेतन नहीं मिल पा रहा। लॉकडाउन के बाद से बेरोजगारी झेल रहे शिक्षकों को निजी विद्यालय किसी भी तरह का भुगतान नहीं कर रहा। ऐसे में साल भर का सबसे बड़ा त्यौहार दीपावली आर्थिक तंगी में गुजरने को मजबूर शिक्षकों का दुख दर्द सुनने वाला कोई भी नहीं। क्या कुछ मुख्य मांगे हैं साहब? 8 महीने हो गए, 8 महीने से स्कूल बंद है कि RTE का पेमेंट नहीं आ रहा है, कि हमारे भी परिवार है, हमारे कर्मचारी है, हमारे ड्राइवर लोग हैं, उनको पेमेंट कहाँ से दें। और सरकार ने ये कह रखा है कि आप जब तक स्कूल नहीं खुलेंगे तब तक फीस नहीं दी जाएगी। क्यों कि क्या करेंगे हम? बिल्कुल हमारा रोजमर्रा का खर्चा चलाना भी स्कूल का बड़ा मुश्किल हो रहा है। इस खबर में 27 देखते रहिए न्यूज 19। नमस्कार।